सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है तुषार और आप देख रहे हैं तुषार जी के ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं विसर्जन के जुलूस के अंदर। और यहाँ भी भाई साहब हैं जो भांगड़ा बजा रहे हैं और ज़ोरदार बारिश यहाँ पे हो रही है। दोस्तों देख सकते हैं सब ये लाइन से गाड़ियों में लगी हुई है मूर्तियाँ विसर्जन के लिए जो जा रही हैं। और अभी हम लोग सब्जी मंडी में हैं दोस्तों। ये अभी यहाँ रामलीला मैदान और गल्ला मंडी के जो पंडाल सजे थे उसमें भी मूर्तियाँ हैं दोस्तों। और यहाँ बहुत ही तेज बारिश हो रही थी इसलिए देखिए दोस्तों डीजे को भी ढक के रखा गया है और लोग गीले हो गए हैं तब भी विसर्जन में यहाँ पे शामिल हैं। और ये देखिए गाइस, यहाँ पे तिरंगा झंडा जो है लहराया जा रहा है। सरायकेला में विसर्जन के दिन हर साल ही दोस्तों तिरंगा झंडा जरूर रहता है विसर्जन में। यहाँ पे जो माता के भक्त हैं वो गुलाल उड़ाते हुए डीजे की धुन पर डांस कर रहे हैं। और यहाँ पे रिशु केसरवानी वो भी अपने हाथों में तिरंगा लेकर लहरा रहे हैं। यहाँ पे देखिए भानु नामदेव और कुछ लोग ये तलवारें हाथ में ले रखे हैं। पुलिस प्रशासन भी साथ में लगे हुए हैं दोस्तों, जिससे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और ये देखिए दोस्तों इस छोटे से बच्चे को जो तिरंगा हाथ में ले करके जा रहा है। और यहाँ भांगड़ा पार्टी, बारिश थोड़ा कम हो गई है तो बाहर आ चुके हैं सभी लोग और यहाँ पे पटाखे चलाए जा रहे हैं। दोस्तों बारिश बहुत तेज हो रही थी जिससे लोग थोड़े कम थे। अगर बारिश ना होती तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है खास करके विसर्जन के लिए। और यहाँ पर हमारे सही निशांत गुप्ता जी भी खुद को रोक नहीं पाए और भक्तों के बीच जाकर डांस करना शुरू कर दिया। और दोस्तों आप देख सकते हैं रामलीला मैदान के पीछे पीछे ही ये JSS ग्रुप का जो जुलूस है वो भी पीछे है और इसमें भीड़ कुछ ज़्यादा देखने के लिए मिल रही है। दोस्तों बहुत ही भव्य विसर्जन ये आगे जाके इकट्ठे हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही भव्य बढ़िया विसर्जन होता है सरायकेला के अंदर। Thank you.
तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर महिलाएं भी काफ़ी सारी हैं जो डांस कर रही हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और जय माता की। ख्याल रखें अपना, खुश रहें। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक देना और सब्सक्राइब भी कर लेना और घंटे का आइकन भी दबा देना।